आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है द्विआलोक नाभि कृष्ण ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बायोमोलेक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होती है इसको हम SN2 रिएक्शन भी कहते हैं। जो ये SN2 रिएक्शन है जिसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इसमें आप ध्यान रखेंगे, पहली बात तो ये कि ये जो रिएक्शन होती है यह रिएक्शन एक पदीय है, यानी कहने का अर्थ ये कि ये जो रिएक्शन होती है वन स्टेप यानी एक पद में यह अभिक्रिया कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। दूसरी बात यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन, इस अभिक्रिया में कोई मध्यवर्ती निर्मित नहीं होता। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट कोई भी मध्यवर्ती निर्मित नहीं होगा। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे इसमें केवल और केवल केवल जो संक्रमण अवस्था होती है, संक्रमण अवस्था जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट यह निर्मित होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी मध्यवर्ती निर्मित नहीं होता। केवल क्या मिलेगी आपको, केवल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, केवल संक्रमण अवस्था ही निर्मित होगी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह देखिए, मान लिया यहां पर मैंने कोई भी एल्किल हैलाइड ले लिया, ये लिया है मैंने यहां पर, और यहां लगा लिया मैंने ये एक्स, और यहां पर लगा लिया मैंने हाइड्रोजन। तो ये जो लिया है जो आप देख रहे हैं ये हो गया CH3X, और जो यहां पर आप एक्स देख रहे हैं ये एक्स है क्या, यह जो एक्स है यह होता है निष्काशित होने वाला, निष्काशित होने वाला नाभिक स्नेही है जिसको हम कहते हैं लिविंग न्यूक्लियोफाइल है। तो जो भी आपका अटैकिंग, आपको पता है कि कार्बन और हैलोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हैलोजन, एक्स पे आ जाएगा आंशिक धनावेश और कार्बन पे आ जाएगा आंशिक धनावेश। अब जो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है वो यह है कि जो भी आक्रमणकारी, जो भी आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो निष्काशित होने वाले जो नाभिक स्नेही है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, उसके जस्ट अपोजिट ठीक विपरीत दिशा से आक्रमण करेगा। और ये जो मैंने लिखा है Nu- ये होता क्या है, ये होता है यहां पर आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है जिसको हम कहते हैं अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। तो जो निकलने वाला जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ये इसके ठीक विपरीत दिशा से उसी कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन से निष्काशित होने वाला नाभिक स्नेही जुड़ा हुआ है, जिससे आपको जो प्राप्त होगी वो संक्रमण अवस्था प्राप्त होगी इसके आक्रमण के पश्चात, इसके अटैक के पश्चात। और जो यहाँ पे संक्रमण अवस्था प्राप्त होगी यह अवस्था अत्यंत अस्थायी होती है। और जो यहां पर आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जो निकलने वाला नाभिक स्नेही है, लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, लगभग 180 डिग्री का कोण होगा उन दोनों के बीच में, और इस प्रकार का जो अटैक होता है उसको हम कहते हैं पश्च आक्रमण या उसको हम बैक साइड अटैक कहते हैं,
जिसके फलस्वरूप संक्रमण अवस्था निर्मित होती है। आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण के पश्चात जो आपको यहां पर संक्रमण अवस्था प्राप्त होगी उसमें जो केंद्रीय कार्बन होगा, जैसे मान लिया साहब ये आपका केंद्रीय कार्बन है, यहां पर मान लिया एच लगा हुआ है, ये भी एच लगा हुआ है और ये भी एच लगा हुआ है, और यहां पर मैंने क्या किया इस प्रकार से डॉट 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 करके मैंने यहां पर ये तो लगा दिया आपका X, जो क्या है निष्कासित होने वाला नाभिक नहीं है, और ये जो अटैक कर रहा है अपना अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, इसको भी आप इस प्रकार से जोड़ देंगे डॉटेड लाइन के द्वारा। और यहां पर जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से जो यहां पर स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संक्रमण अवस्था कहते हैं, और ये जो होती है यह अत्यंत अस्थायी है, हाईली अनस्टेबल है। और ये जो संक्रमण अवस्था प्राप्त होगी ये प्राप्त कब होगी, जब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल लिविंग न्यूक्लियोफाइल वाले कार्बन पर आक्रमण करेगा। तो जो यहाँ पे संक्रमण अवस्था आप देख रहे हैं, आप जानते हैं कि कार्बन की फोर वैलेंसी होती है, टेट्रावेलेंट होता है, लेकिन संक्रमण अवस्था में आप देख रहे हैं कि इस वाले कार्बन से पांच समूह या एटम जुड़े हुए हैं, जिसमें से ये जो दोनों बंध आप देख रहे हैं ये आंशिक बंध है, ये पूर्ण बंध नहीं है, और ये जो संक्रमण अवस्था होती है यह हाईली अनस्टेबल अत्यंत अस्थायी होती है। फिर इस संक्रमण अवस्था में जो आपका निष्कासित होने वाला न्यूक्लियोफाइल है और जो आपका आक्रमणकारी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये दोनों के दोनों ही आंशिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद जो हम अगला पॉइंट ले रहे हैं उसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि जो इस अभिक्रिया में रेट ऑफ रिएक्शन होगी, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की जो दर होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी ये दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगी। यानी जो आप यहां पर आर एक्स लेंगे एल्किल हैलाइड उसकी सांद्रता पर, और साथ में जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी सांद्रता पर, दोनों की सांद्रता पर ही निर्भर करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप देख पा रहे हैं यहां पर क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की सांद्रता पर ही निर्भर कर रही है, इसलिए ये जो रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, ये रिएक्शन कहलाती है द्वि आणविक नाभिक स्नेही प्रति स्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जिसको हम एस एन टू रिएक्शन भी कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक का विन्यास जो होगा उसकी तुलना में जो उत्पाद जो प्रोडक्ट है उसका जो विन्यास होगा वो एकदम उलट जाएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि यहां पर हम कहेंगे कॉन्फिगुरेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्फिगुरेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होगा, और यहां पर हम कह रहे हैं कॉन्फिगुरेशन ऑफ प्रोडक्ट, अभिकारक की तुलना में जो उत्पाद होगा उसका विन्यास एकदम उलट जाएगा।
और ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं विन्यास का प्रतिपन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इनवर्जन इन कॉन्फिगरेशन, या इसी को हम एक नाम और देते हैं वार्डन प्रतिपन, वार्डन इनवर्जन कहते हैं। यानी जो SN2 अभिक्रियाएं होंगी उसमें वे रिएक्शन विन्यास के प्रतिपन और वार्डन प्रतिपन के साथ संपन्न होगी, और ये प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से जो छाता होता है अम्ब्रेला होता है, ये इस तरह से होता है जैसा आप देख पा रहे हैं। लेकिन जब तेज आंधी आती है तो ये ठीक उलट जाता है। इस प्रकार से प्रक्रिया होती है जिसके बारे में हम आगे एग्जाम्पल में बात करेंगे। जो ये SN2 रिएक्शन है इसमें कार्बन हैलोजन जो बंद है, इसमें इस कार्बन से जुड़े हुए जो परमाणु या समूह होंगे उनके आकार पर इस अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है, जो रिएक्टिविटी है, वो डिपेंड करती है। किस प्रकार से, जैसे मान लिया मैंने यहां पर ये ले लिया, इस कार एक्स लगा हुआ है जो निष्कासित होने वाला जो आपका लिविंग न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़ा है इस वाले कार्बन से, और इस वाले कार्बन से जो यहां पर ये परमाणु या जो समूह लगे हुए होंगे इनका आकार जितना छोटा होगा, जितना स्मॉल होगा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल उतना ही इजीली अटैक करेगा इस कार्बन पर। जैसे जैसे इनका साइज बढ़ता जाएगा, आकार बढ़ता जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम बाधा बढ़ती जाएगी, यानी अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल है उसके मार्ग में, उसके पाथ में ये हिंड्रेंस यानी बाधा उत्पन्न करेंगे, जिससे जो रिएक्टिविटी होगी, जो क्रियाशीलता होगी वो कम होती जाएगी। अब हम यहां पर विभिन्न एल्किल हैलाइड लेंगे। जैसे मान लिया मैंने यहां पर सबसे पहले ये लिया CH3X ले लिया। जो ये CH3X मैंने यहां पे लिया है इसका नाम आप जानते हैं, इसको हम कहते हैं मेथिल हैलाइड। अगला देखो मैंने यहां पर लिया है CH2X ले लिया, जिसको हम कहते हैं एथिल हैलाइड, और आप जानते हैं कि यह एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अगला देखो मैंने यहां पर यह ले लिया CH3X ले लिया, इसका नाम है आइसो प्रोपिल हैलाइड, और यह क्या है, यह 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और अगला देखो मैंने यहां पर यह ले लिया CH3X, इसका नाम है टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड, ये यहां पर ले लिया। और ये जो यहां पर आपने लिया है ये कैसा है, ये एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अगर आप ध्यान से देखें कि यहां पर एक्स जुड़ा हुआ है ये ब्राइस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से यहां पर 3 H लगे हुए हैं जिनका आकार छोटा है, या एक्स जुड़ा हुआ इस वाले कार्बन से, और इस वाले कार्बन से आप देखेंगे कि यहां पर जो ग्रुप लगे हुए हैं एक आ गया यहां पर क्या मैथिल समूह आ गया ये वाला ग्रुप, और 2 H है। यहां पर आप देखोगे ये बड़े आकार के 2 ग्रुप और आ गए, इस वाले कार्बन से यहां पर बड़े आकार के 3 ग्रुप आ गए। यानी कहने का अर्थ यह कि जिस कार्बन से लिविंग न्यूक्लियोफाइल जो निष्कासित होने वाला नाभिक से जुड़ा हुआ है उस पर अगर आप इस तरफ से इस तरफ आप जाएंगे
यानी मेथिल हैलाइड से अगर आप तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड की ओर जाएंगे तो यहां पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है जिसे हम कहते हैं त्रिविम, जो बाधा है वो क्या हो रही है, वो इनक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। स्टेरिक हिंड्रेंस कब, जब आप मेथिल हैलाइड से जाओगे तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड की तरफ, और आप जानते हैं कि जब स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, त्रिविम बाधा बढ़ेगी, तो जो रिएक्टिविटी होगी SN2 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में वो कम हो जाएगी। यानी कहने का कि जब आप यहां पर तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड से मेथिल हैलाइड की तरफ आप आएंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती जाएगी और SN2 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में जो रिएक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं अभिक्रियाशीलता में क्या होती है, में वृद्धि होती है। यानी कहने का अर्थ है इसके तो इन चारों में अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशीलता होगी वो मेथिल हैलाइड की होगी। किसके बारे में बात करें यहां पे हम अभिक्रियाशीलता रिएक्टिविटी के बारे में, किसके एस्पेक्ट में, SN2 रिएक्शन के रेस्पेक्ट में, तो मेथिल हैलाइड की सबसे ज्यादा होगी, थोड़ी कम एथिल हैलाइड की, थोड़ी और कम आइसोप्रोपिल हैलाइड की, और सबसे कम हो जाएगी तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड की होगी। अब आप जानते हैं कि जो एल्किल हैलाइड हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, दूसरे होते हैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और तीसरे होते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ये तीन प्रकार के होते हैं एल्किल हैलाइड। आपको मैंने पहली क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में, कि जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होते हैं ये जो अभिक्रिया दर्शाएंगे वो तो दर्शाएंगे कौन सी, SN1 रिएक्शन दर्शाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके द्वारा जो बनने वाला जो कार्बोकैटायन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्थायी होगा। अभी आपको मैंने बताया कि इन तीनों में से हम बात कर रहे हैं SN2 अभिक्रिया के बारे में, तो उस तीनों में से जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता थी वो किसकी थी, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की। यानी यहां पर जो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होंगे ये यहां पर दर्शाएंगे SN2 रिएक्शन को दर्शाएंगे, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को दर्शाएंगे। अब प्रश्न ये है कि जो यहां पे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, ये कौन सी अभिक्रिया को दर्शाएंगे, ये डिपेंड करेगा किस पर, ये निर्भर करता है नाभिक स्नेही जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, और एक हम ले रहे यहां पर विलायक की प्रकृति। यानी कहने का यह है कि जो ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होंगे, जो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होंगे, ये दोनों में से कौन सी रिएक्शन दर्शाएंगे ये डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल और जो सॉल्वेंट हैं उनकी नेचर पर निर्भर करेगा, सॉल्वेंट ऑफ नेचर एंड न्यूक्लियोफाइल पर। अब यहां पर हम जो ये SN2 रिएक्शन है इसको रिप्रेजेंट करते कैसे हैं, दर्शाते कैसे हैं, उसकी जो रिएक्शन है उसके बारे में यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहां पर ये कार्बन लिया, इस कार्बन से यहां पर मैंने 3 H लगा दिए, और इसी कार्बन से मैंने यहां लगा दिया क्या, X लगा दिया, और जो ये कंपाउंड आप देख रहे हो CH3X इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया यहां पर मेथिल हैलाइड।
ये इसका नाम हो गया। और यहां जो x आप देख रहे हैं, ये जो x है ये क्या होता है, ये यहां पर होता है निष्कासित होने वाला नाभिक, इसमें ही है लिविंग न्यूक्लियोफाइल है। अब आपको पता है कार्बन अक्ष में एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक्स पे माइनस चार्ज, कौन करेगा प्लस चार्ज। और आपको मैंने बताया था कि जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, आक्रमणकारी जो नाभिक स्नेही है, वो निष्कासित होने वाले नाभिक स्नेही के ठीक विपरीत दिशा से आक्रमण करेगा। मान लिया यहां ले लिया मैंने Nu माइनस, और ये होता क्या Nu माइनस, ये यहां पर आपका है आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। और आपको मैंने बताया था कि लिविंग न्यूक्लियोफाइल और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल में लगभग 180 डिग्री का अंतर होगा। और ये जो होगा आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पे अटैक करेगा जिस कार्बन से आपका लिविंग न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन यहां होगी SN2 रिएक्शन। और जैसे यहां पर ये अटैक करेगा, एक संक्रमण अवस्था निर्मित होगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो देखो यहां पर ये कार्बन है, इस कार्बन से यहां पर ये 3H लगे हुए हैं। और आपको मैंने पहले बताया ही था कि जो यहां पे संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसमें आपका जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है वो, और आपका जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो, दोनों ही एक ही कार्बन से जुड़े हुए होंगे। और जो ये आप देख रहे हो, इसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यह होती कैसी है, यह अवस्था अत्यंत अस्थायी है, हाईली अनस्टेबल होती है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो समय के साथ ये जो बंद आप देख रहे हैं, ये बंद ये दुर्बल होता जाएगा और इस बंद के बनने की प्रक्रिया होगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये बंद यहां पे टूट जाएगा और जो आपका जो निष्कासित होने वाला नाभिक स्नेही है, ये यहां पर एक्स माइनस के रूप में निष्कासित हो जाएगा, जिसको हम कहते क्या है, इसको हम कहते हैं हैलाइड आयन कहते हैं। और जैसे ही यहां पर यह निष्कासित होगा, तो जो उत्पाद बनेगा उसका विन्यास अभिकारक की तुलना में, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा रिएक्टेंट के कंपेयर में जस्ट अपोजिट होगा। तो आप यहां देखेंगे कि जो NU है उसने अटैक इस तरफ से किया है, तो जो NU है वो तो रहेगा आपका इस तरफ, यह हो जाएगा आपका कार्बन। और आपको पता है कार्बन से यहां पर ये 3H लगे हुए हैं, और जो यहां पर आपको मिलेगा ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट, उत्पाद हो जाएगा, जिसको हम प्रतिस्थापित उत्पाद कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखें, जो अभिकारक था उसमें जो एक्स थे वो इस शेप में जुड़े हुए थे इस तरह से, लेकिन जो उत्पाद आपको मिल रहा है उसमें हुआ क्या, जो एक्स की जो शेप है वो इस तरफ से होगी। तो जो ये प्रक्रिया हो रही है, आप देख रहे हैं कि अभिकारक की तुलना में जो उत्पाद है उसका विन्यास एकदम उलट जाएगा जैसे ही ये यहां से निष्कासित होगा। और यह प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विन्यास का प्रतिपन, या हम बोलते हैं इसको वार्डन
प्रतिपन कहते हैं, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन या वार्डन इन्वर्जन कहते हैं। यानी जो आपकी यहां पर जो SN2 रिएक्शन होगी ये विन्यास के प्रतिपन या वार्डन प्रतिपन के साथ संपन्न होगी। अब यहां पर हम जो ये SN2 रिएक्शन है द्विअणुक नाभिक में ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का यहां पर हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल यहां पे हम ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेथिल क्लोराइड विद एक्वस के ओ एच। यानी जो मेथिल क्लोराइड है उसकी क्रिया हम करवाएंगे जलीय के ओ एच के साथ। तो जो यज्ञों के आप जानते हैं कि मेथिल क्लोराइड जो होंगे उसमें कार्बन से तीन एच लगे होंगे, त्रिविम बाधा स्ट्रेंथ हिड्रेंस सबसे कम होगी और ये SN2 रिएक्शन को दर्शाएगा। तो देखो आप यहां रिएक्शन को कैसे लिखोगे, आप ये तो लोगे आप यहां पर Ca3Cl ले लिया ना, मैंने आपको यहां पे बताया क्या इसका मेथिल क्लोराइड है। यहां पर आप लेंगे क्या लिया, मैंने KOH लिया, लेकिन जो आप यहां पे KOH लोगे ये कैसा लोगे, एक्वस यानी जलीय लोगे, और इनके मध्य जो रिएक्शन होगी वो यहां पर कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन होगी, SN2 अभिक्रिया होगी। अब यहां केमिकल रिएक्शन होगी कैसे वो देखिए, तो आप देखेंगे इसका तो Cl इसका ये K, ये यहां पे क्रिया करके ये तो यहां पे निष्कासित करेंगे किसको, KCl को निकालेंगे, पोटेशियम क्लोराइड को निकालेंगे, और बाकी क्या मिलेगा आपको यहां पर Cl3OH निर्मित होगा जिसको हम कहते क्या है मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल कहते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये होती है कौन सी, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 रिएक्शन। अब हम यहां पर जो दो रिएक्शन हमने पढ़ी है, एक तो हमने पढ़ी है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 और एक अभी हमने पढ़ी है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2। SN1 और SN2 जो रिएक्शन है उसमें जो डिफरेंस है अंतर है उसके बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो टॉपिक अपना है डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो मैंने एक तरफ को लिखा है यहां पर SN1 और एक तरफ ने यहां लिया SN2। तो आप देखेंगे सबसे पहला अंतर, फर्स्ट पॉइंट, जो ये SN1 अभिक्रिया होती है ये क्रिया दो पदीय होती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि ये जो रिएक्शन होती है ये टू स्टेप्स दो पदों में पूर्ण होती है, जबकि यहां पर जो ये SN2 रिएक्शन होती है, अभी आपको मैंने बताया कि ये जो रिएक्शन होती है यह अभिक्रिया एक पदीय है यानी वन स्टेप में कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। यह हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर अगर आप यहां पर लें दोनों में, तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये SN1 रिएक्शन होती है इस SN1 अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, तो इसमें मध्यवर्ती के रूप में निर्मित होते हैं कार्बोकेटायन। यानी कहने का अर्थ यह है कि SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकेटायन निर्मित होते हैं, लेकिन जो ये SN2 रिएक्शन है उसमें आप ध्यान रखेंगे कि इस अभिक्रिया में कोई भी मध्यवर्ती निर्मित नहीं होता। क्या होता है मैंने कि ये जो रिएक्शन होगी इसमें कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट निर्मित नहीं होगा, इसमें केवल और केवल क्या निर्मित होगी, इसमें केवल और केवल संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन
स्टेट निर्मित होगी। तीसरा अंतर ध्यान रखोगे आप यहां पर SN1 और SN2 में तीसरा अंतर, तो जो ये SN1 अभिक्रिया होती है इसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो ये SN1 रिएक्शन है इसमें जो अभिक्रिया की जो दर है जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, वो केवल और केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगी, केवल आर एक्स की जो कंसंट्रेशन है उस पर ही निर्भर करेगी, इसीलिए स्टेशन को हम एस एन वन कहते हैं। लेकिन जो ये आपके एस एन टू रिएक्शन है उसमें आप ध्यान दोगे कि इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की जो दर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो आर एक्स यानी एल्किल हैलाइड और जो आपका आक्रमणकारी अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है दोनों की जो कंसंट्रेशन है उस पर निर्भर करती है। अगला अंतर यहां पे हम ले फोर्थ, चौथा अंतर दोनों अभिक्रियाओं में, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये SN1 रिएक्शन होती है इस अभिक्रिया में मैंने बताया क्या निर्मित होते हैं, कार्बोकेटाइन। तो जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा यह उतनी ही सुगमता पूर्वक जो एल्किल हैलाइड होंगे उतनी आसानी से SN1 को दर्शाएंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे, चौथा पॉइंट हम ले रहे हैं यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभिक्रियाशीलता का क्रम, और यहां पर भी हम ले रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अभिक्रियाशीलता का क्रम। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो SN1 रिएक्शन है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की होगी, क्योंकि उसका जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, थोड़ी कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की होगी और सबसे कम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की होगी। तो ये तो हो गया यहां पर अभिक्रियाशीलता का क्रम किसके रेस्पेक्ट में, SN1 अभिक्रिया के रेस्पेक्ट में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की सबसे ज्यादा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की थोड़ी कम और जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है उसकी सबसे कम। लेकिन जब हम बात करेंगे यहां पर SN2 अभिक्रिया के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशीलता होगी वो होगी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की, थोड़ी कम जो होगी वो होगी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की और सबसे कम जो होगी वो होगी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की। पांचवा अंतर यहां पे हम लें दोनों में ही, तो आपको मैंने बताया कि जो ये SN1 रिएक्शन है इसमें अभिक्रिया की दर केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करती है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये SN1 रिएक्शन है यह अभिक्रिया रासायनिक बल गतिकी, जिसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स की प्रथम कोटि अभिक्रिया का अनुसरण करती है, यानी ये जो SN1 रिएक्शन होगी ये केमिकल काइनेटिक्स की रासायनिक बल गतिकी की जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, यहां क्या लिखा है मैंने यहां पे प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अनुसरण करेगी। लेकिन जो ये SN2 रिएक्शन है उसमें आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है अभिक्रिया की दर है वो
वो दोनों अभिकारकों की सांद्रता पे निर्भर करती है। इसलिए आप यहां ध्यान देंगे कि ये जो रिएक्शन होगी ये रिएक्शन रासायनिक बल गतिकी की जो द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, क्या लिखा है मैंने यहां पे, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अनुसरण करती है। यानी ये जो रिएक्शन होगी SN2 रिएक्शन, ये केमिकल काइनेटिक्स की रासायनिक बल गतिकी की जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्या लिखा है मैंने यहां पर, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अनुसरण करती है। अगला यहां पर हम अंतर ले रहे हैं SN1 और SN2 अभिक्रिया में। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये SN1 अभिक्रिया होती है, अगर SN1 अभिक्रिया में अगर आपका जो अभिकारक है प्रकाशिक सक्रिय है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो आपको उत्पाद मिलेगा, प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा, वो आपको यहां पर रासायनिक मिश्रण प्राप्त होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या बताया मैंने आपको, अगर मान लिया SN1 अभिक्रिया में अगर आपका अभिकारक, आपका जो रिएक्टेंट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी उसमें कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, तो जो आपको अभिक्रिया में प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा क्या, वो आपको रासायनिक मिश्रण, रासायनिक मिक्सचर आपको प्राप्त होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ये SN2 अभिक्रियाएं होती हैं, अभी आपको मैंने बताया कि जो SN2 अभिक्रिया होती हैं, इन अभिक्रिया, ये जो रिएक्शन है इनमें विन्यास का प्रतिपन या जिसको हम कहते हैं वार्डन प्रतिपन, यानी इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, या हम कहते हैं वार्डन इन्वर्जन, इनके साथ ये जो रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन ये पूर्ण होती है। अब हम इन दोनों रिएक्शन के एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें, तो यहां देखो मैंने लिया है तृतीयक ब्यूटेन क्लोराइड ले लिया है। आप यहां पे तृतीयक ब्यूटेन क्लोराइड ले या तृतीयक ब्यूटेन ब्रोमाइड आप ले लें, इसकी आप यहां पे क्रिया कराओगे KOH के साथ, ये कैसा लोगे आप KOH, एक्वस यानी जलीय लोगे। तो ये आप देख रहे हैं कि यहां पर जो ये लिया है यह है तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड, जो एक 3° एल्केल हैलाइड है, और आप जानते हैं कि जो ये 3° एल्केल हैलाइड होते हैं वे कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, SN1। तो यहां जो रिएक्शन होगी ये होगी SN1। अब इसमें होगा क्या, इसका तो Cl, इसका K, ये यहां रिएक्शन करके ये तो यहां पे निष्कासित करेगा KCl को, पोटेशियम क्लोराइड को, और यहां जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा Ca3 और ये हो गया OH, जिसका नाम है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ये हो गया SN1 अभिक्रिया का एग्जाम्पल। अगर आप यहां पर SN2 अभिक्रिया का एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें SN2 रिएक्शन का, तो मैंने बता रखा आपको मेथिल क्लोराइड की आप यहां पे क्रिया कराओगे जलीय KOH के साथ। तो देखिए मैंने यहां पर ये लिया है CH3Cl, नाम क्या है इसका, मेथिल क्लोराइड, इसकी आप यहां कराओगे रिएक्शन KOH के साथ,
लेकिन जो केवच लिया है वो कैसा हो गया आप यहां पर एक्वस, और यहां आप देख रहे हैं कि जो यहां रिएक्शन होगी ये कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन होगी। अब होगी इस प्रकार से, वो सेम इसका Cl इसका K, ये यहां पे रिएक्शन करके ये यहां पे निष्कासित करेगा KCl को, पोटेशियम क्लोराइड को, और यहां पर जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा Cl3OH, और इसका नाम होता है मेथेनॉल। ये होते हैं SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अंतर।